हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। आज एक और नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। इस बाइक का कुछ बात करने वाले डिसएडवांटेज है इसके बारे में। 2024 का मॉडल है ये BS7। ये जो आप बाइक देख रहे हैं ये क्लासिक 350 BS7 मॉडल का स्टिल्ट ब्लैक टॉप वेरिएंट है, जो कि डुअल चैनल ABS के साथ आता है। ये जो आप बाइक देख रहे हैं ये फुल्ली लोहा के साथ आता है। लोहा इसका नाम ही है, बुलेट क्लासिक 350 जो भी बोल सकते हैं, फुल लोहा है और इसमें कोई भी पार्ट्स प्लास्टिक का नहीं आता, बस सिवाय इस क्या बोलते हैं इसको, इंडिकेटर को। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो इस बाइक का है वो है इसका किक। इस बाइक में किक कंपनी ने हटा दिया है, इस बाइक में हटाना नहीं चाहिए था। उसके पीछे का रीज़न ये है, कभी बाई चांस अगर इस बाइक में आपका बैटरी ख़त्म हो जाता है, अगर बाइक चालू नहीं होता है, तो ये बाइक है आपको 195 kg का, तो इस बाइक को आपको स्टार्ट करने में धजिया उड़ सकता है। पूछिए कैसे, क्योंकि ये बाइक को आप ठेल नहीं सकते अकेले और बहुत धक्का देने के लिए भी आपको एक आदमी लगेगा, ठीक। और किक रहता तो आप कभी ऐसा कभी सुनसान जगह पर फंस जाते हैं, जैसे ये मैदान वाला एरिया है, यहाँ फंस जाते हैं जहाँ पे कोई ना हो, तो आप किक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, मेजर नेगेटिव पॉइंट। और दूसरा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो मुझे क्या लगता है, इस बाइक को नॉर्मली आप सिटी में राइड करते हैं, नॉर्मली 10-15 किलोमीटर का डेली राइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इससे लॉन्ग राइड करते हैं, कम से कम एक दिन में अगर 100 किलोमीटर चला देते हैं, तो इस बाइक का जो इंजन है, इंजन में आपको बहुत ही ज़्यादा हीटिंग आने लगता है। मुझे तो ये पर्सनली बहुत फील होता है, ये जो पैर है पूरा पैर में पूरा गर्म गर्म थाई तक धाह मारता है गर्म गर्म हवा का, ठीक है। उसके वजह से पूरा ज़्यादा दिक्कत होने लगता है, आपको बाइक को स्टॉपेज देना पड़ जाता है 10-15 मिनट 20 मिनट जितना भी देर का हो सके इंजन ठंडा होने तक, उसके बाद फिर से आप अपना राइड कंटिन्यू करते हैं। तो ये इस बाइक में नहीं होना चाहिए था, इस बाइक में आपको इंजन हीटिंग का प्रॉब्लम आता है। और आप लोगों को ये नेगेटिव पॉइंट लगता है या नहीं लगता है, अपना थॉट्स और ओपिनियन जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठंड के मौसम में तो ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी में तो हर बाइक ही नॉर्मली गर्म होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हीट करता है। और जो इसका तीसरा डिसएडवांटेज है वो है इसका फ्यूल गेज, जो इसमें सेमी डिजिटल मीटर दिया है, रॉयल एनफील्ड जुगाड़ बना के छोटा सा सेमी डिजिटल मीटर बनाया, उसका ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो फ्यूल बता रहा है, ये कभी दो डॉट बताता है, दो मतलब खुटी, उसके बाद कभी एक खुटी, उसके बाद ब्लिंक करने लगता है, मतलब परफेक्ट नहीं बताता है। आपका टंकी में फ्यूल अगर 600 रुपये का या 700 रुपये का भी रख रहे हैं, 6 लीटर 7 लीटर 5 लीटर कितना भी रख रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर नहीं बताता है, ये कभी ब्लिंक करता है, कभी ज़्यादा बताता है, कभी कम बताता है, तो ये मुझे प्रॉपर इसका वर्क नहीं करता है सेमी डिजिटल मीटर। चौथा इसका डिसएडवांटेज हमको ये लगता है कि इसका जो क्लच है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, इसको थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए था। अगर आप इसको सिटी में यूज करते हैं, ज़्यादा क्लच ब्रेक करते हैं, तो ये जो आपका उंगली है पेन होने लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड दिया, स्टिफ दिया है, थोड़ा बहुत इसको लूज बनाना चाहिए था कंपनी को। जो मैं R15 वर्जन 4 यूज करता हूँ उसका क्लच बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मतलब यूज करने में पता ही नहीं चलता, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, तो इसका थोड़ा बहुत स्मूथ होना चाहिए था, माइनर भी होता तो बहुत अच्छा। और जो हमारा पाँचवा डिसएडवांटेज है वो है इसका साउंड। साउंड इसलिए बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये साउंड पसंद आता है, लेकिन लोग बुलेट लेते हैं, बुलेट में डुग डुग वाला साउंड जो पहले आता था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, उसी की वजह से बुलेट ज़्यादा बिकता था, लेकिन इसमें जो है साउंड को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, जिसके वजह से बाइक बुलेट का जो टचअप है वो नहीं मिल पाता। चलिए इसका साउंड भी आपको सुना देते हैं। आप इसका साउंड सुन सकते हैं, ज़्यादा मतलब लाउड नहीं है, ये था इस बाइक का आवाज़। पहले के जो बाइक आते थे बुलेट, वो उसमें डुक डुक वाला आवाज़ आता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड होता था, दूर से ही पता चल जाता था कि बुलेट आ रहा है, लेकिन इसमें वो लाउड को कम कर दिया, लाउडनेस को, और साइलेंसर का आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सूदिंग बना दिया, थोड़ा बहुत रिफाइनमेंट फील होता है, क्योंकि इंजन भी चेंज है, जे सीरीज का इंजन है। बाकी बहुत सारे लोगों को ये आवाज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वैसे आपको आवाज़ चाहिए तो साइलेंसर चेंज करवा के आप यूज कर सकते हैं। और हमारा जो एक और पॉइंट है वो हम अलग से ऐड कर रहे हैं, इसमें आपको 3.5 लीटर प्लस पेट्रोल रखना होगा, क्योंकि उससे कम रखते हैं तो आपका EFI सिस्टम दिया हुआ है मोटर, उससे कम आपको प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसका अननेसेसरी होता है। और यही था आज का हमारा डिसएडवांटेज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस बाइक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, टिल देन बाय बाय, जय सियाराम।